नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मील मज़ा में। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट नाश्ता रेसिपी। जी हाँ, मतलब पोहा, झटपट बनने वाला नाश्ता। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। पोहा बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी पोहा, 2 प्याज रफली कटा हुआ, कड़ी पत्ते 2-3 टहनी, 1/2 कटोरी मूंगफली गिरी, 1 नींबू का रस। अब हमें पोहा को 2 से 3 बार अच्छे से धोना है। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसे हल्के हाथ से मसल कर साफ करके धोएंगे और इसका पानी अलग कर देंगे। ऐसा हमें 2 से 3 बार करना है ताकि हमारा जो चिड़वा है यानी पोहा वो अच्छे से साफ़ हो जाए। हमें इसका पानी अलग करना है, इसे ज़्यादा निचोड़ना नहीं है। अब हम इसे एक प्लेट में फैला देंगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होते ही इसमें अपनी मूंगफली गिरी को फ्राई करेंगे। इसे चलाते रहेंगे, जब ये थोड़ी सी ब्राउन सी होने लगेंगे तो इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में डालेंगे 1 चम्मच काले सरसों और इसके चटकने का इंतज़ार करेंगे। सरसों के चटकते ही हम इसमें डालेंगे कटा हुआ कड़ी पत्ता और साथ ही डालेंगे इसमें प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। अब ये भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला और अब इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाले भूनते ही अब हम इसमें डालेंगे पोहा, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हम अपनी मूंगफली और अब इसे मिक्स करते हुए चलाएंगे। ये देखिए, मिनटों में तैयार हो गया है हमारा पोहा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, इसे मिला देंगे। देखिए कितना टेस्टी और कितना जल्दी हमारा इंस्टेंट नाश्ता तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, आगे शेयर करें और आगे आने वाली नई रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।